नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडिया क्रिकेटी में स्वागत है। आज आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है। जो कल पेपर हुआ था दोस्तों, राजस्थान जेएन जो है इलेक्ट्रिकल वाले विद्यार्थियों का, डिप्लोमा और डिग्री वालों का, उसकी यहाँ पर अपडेट है। कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिविल में भी ऐसा ही रहने वाला है, मैकेनिकल में आगे जो एक दो सीटें हैं उनमें भी ऐसा ही रहने वाला है। तो आप सोच सकते हो कि जेएन में जो है कोरोना के कारण बहुत सारा यहाँ पर जो है अंतर देखने को मिल रहा है कि विद्यार्थी पेपर देने नहीं जा रहे हैं। अब चलिए आपको पूरी अपडेट बताता हूँ क्या न्यूज आई है आज के अखबार में कल की प्रेजेंट को देखकर। तो आप सभी यहाँ पर विद्यार्थी देख रहे हैं, कोरोना काल में जेएन बनने के लिए पहुंचे आधे अभ्यर्थी। जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को जेएन भर्ती 2018 का आयोजन किया गया। इस दौरान जेएन विद्युत डिग्री और डिप्लोमा की भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की गई। आधे में आयोजित इस भर्ती में जेएन बनने के लिए आधे अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुँचे। सातों संभागीय मुख्यालयों के 111 केंद्रों पर 33 पदों के लिए आयोजित हुई जेएन विद्युत डिग्री की प्रति परीक्षा के लिए 23,252 पंजीकृत है। इसमें से केवल कितने विद्यार्थी पहुंचे हैं, 12,209 विद्यार्थी उपस्थित रहे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, उपस्थिति कितनी दर्ज की गई, 52.50% रही। इस तरह से सात संभागीय मुख्यालयों के 42 परीक्षा केंद्रों पर जेएन विद्युत डिप्लोमा भर्ती के 7 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई। इस भर्ती के लिए 8,149 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनमें से 4,035 परीक्षा देने पहुंचे और उपस्थिति 49.51 दर्ज की गई। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर बी.एल. जाटवत ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित की गई। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो लगभग 50,000 विद्यार्थी जो है किसमें है, सिविल में है डिग्री में, और 50,000 या आप इसमें मान लीजिए 49 के लगभग है डिप्लोमा में। तो इनमें भी आधे आधे विद्यार्थी जाएंगे, तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन कम होने वाला है। वैसे सिविल में ज़्यादा जाएंगे मेरे सार, जो देख सकते हो यहाँ पर जो उपस्थित रहने वाली है वो 60% के लगभग जो है उपस्थिति रहेगी आपकी सिविल के अंदर की, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपको जो तैयारी करनी है वो थोड़ी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मेरे अनुसार आप तैयारी टारगेट लेके चलिएगा। टारगेट जो है आपके नंबर लाने का, वह 90+ का टारगेट होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और आप सोचेंगे कि 80 नंबर लेके आ जाओ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर 80 सोचोगे तो आपके 70 नंबर आएंगे, ठीक है। इसलिए तैयारी करें ना, तो आपको अच्छे खासे नंबर लेकर के चलने हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको किसी भी भर्ती संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, सभी को बेस्ट ऑफ लक।